डिलीशियस बनती है ये फिश। ऐसे तो फ्रेंड्स फिश में बहुत ही कम खाती हूँ, बट ये भी लाहौरी फिश फ्राई बनती है तो ये मेरी फेवरेट है। जो लोग फिश खाते हैं वो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी आपको, बहुत ही क्रिस्पी। और आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से किसी भी तरह की फिश ले सकते हैं, सेवन फिश ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं जो कि बहुत ही मजेदार लगते हैं खाने में। इनकी हम पहले मैरिनेशन कर लेंगे इस तरह से। पहले मैंने इसको एक ट्रे में रख लिया। ये मेरे पास लेमन जूस है, 2 लेमन का जूस है। फिश में लेमन फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छे से इस पर हम पहले ये लेमन जूस डाल देंगे हर तरफ से। लेमन जूस लगाने के बाद अच्छे से ये देखिए, अब मेरे पास कुछ मसाले हैं जो कि इस तरह से हैं, कुटा हुआ। ये है मेरे पास धनिया, भुना हुआ, कुटा हुआ। इसी तरह से लाल मिर्च, इसी तरह से जीरा है, भुना हुआ, कुटा हुआ। नमक है 1/2 छोटा चम्मच, ये सब एक एक चम्मच है। नमक 1/2 छोटा चम्मच है, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और एक है मेरे पास अजवाइन। इन सब चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे, इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स ये मेरे पास रेड फूड कलर है, जो हमारी स्नैक्स हैं उनका कलर बहुत बढ़िया आए तो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ये है थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी बीच ही में मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों को हम अच्छे से हर पीस के ऊपर लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से मसाले लगाएंगे तो पूरे इवनली स्प्रेड होंगे पूरी फिश के ऊपर, क्योंकि ये जो फिश है बहुत ही डेलिकेट होती है, ज्यादा इसको मसल मसल कर करेंगे तो ये टूट भी जाती है, इसलिए इस तरह से लगाने के बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी लगा देंगे। ये देखिए सब फिश पर अच्छे से मसालों की अच्छी कोटिंग हो गई। करनी है बेसन की कोटिंग। ये देखिए ये 1/2 कटोरी मैंने बेसन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच हम चावलों का आटा डाल देंगे, इससे जो क्रिस्प है बहुत बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स फिश पे हमने बहुत से मसाले लगाए हुए हैं तो इसमें हम खाली थोड़ा सा नमक ही ऐड करेंगे। ये देखिए 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। ये घोल बनाने के बाद मैंने इसको थोड़े से ब्रॉड बर्तन में शिफ्ट किया है ताकि जब कोटिंग करे तो आराम से हो जाए। बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब एक एक पीस को हम उठाते जाएंगे और इस तरह से कोट कर लेंगे और फिर से हम इधर अपने बर्तन में रख देंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी बढ़िया तरह से ये कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से इसको मैरिनेट मैंने कर दिया, बस अब इसको मैं ढक दूंगी और इसको फ्रिज में रखेंगे हम। फ्रेंड्स इसकी मैरिनेशन टाइम मिनिमम 1/2 घंटा होना चाहिए। अगर आप इसको 7-8 घंटे या 5-6 घंटे इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम इसको फ्रिज में 4 घंटे अच्छे से मैरिनेट किया मैंने इसको, फ्रिज में रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी मैंने 3 ही पीस डाले,
बाकी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी कि ये जब भी मन होगा इवनिंग में या नेक्स्ट डे तो हम इसको फ्राई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से एक साइड को हम पकने देंगे, उसके बाद ही दूसरी साइड चेंज करेंगे। हम साइड को चेंज कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार लग रही है फ्रेंड्स। ये हर तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल देंगे और मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यमी सी क्रिस्पी लाहौरी फ्राइड फिश बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का और भी मजा आता है। जरूर से ट्राई कीजिए, आप भी इस तरह से लाहौरी फिश फ्राई बनाना, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।